नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एग्जाम डॉट कॉम पे, जहां मिलती है अपडेट। सबसे पहले यूपी लेखपाल, जिसके एग्जाम 31 जुलाई को होने हैं, उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जी हां, यूपी लेखपाल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको आना है गूगल पे, गूगल पे टाइप करना है सरकारी एग्जाम डॉट कॉम। जैसे ही साइट खुल जाए, आप आ जाइएगा एडमिट कार्ड के सेक्शन में। एडमिट कार्ड में आपको मिलेगा यूपी राजस्व लेखपाल एडमिट कार्ड 2022 आउट। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको आ जाना है इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में। जी हाँ, इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में। यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, उसके सामने रहेगा क्लिक हियर। क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल UP SSC की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और वेरिफिकेशन कैप्चा डालना है, जो कि ये है। वेरिफिकेशन कैप्चा डालने के बाद आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना फॉर्म भरा हो और आपसे फाइनल प्रिंट मिस हो गया है, या आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक। जैसे ही नो योर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना पूरा नाम, जैसा आपने फॉर्म भरते समय लिखा था, यानी कि अगर आपका नाम राजू विश्वकर्मा है, तो पूरा नाम लिखिएगा राजू स्पेस विश्वकर्मा, और अपने फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे भी वेरिफिकेशन कैप्चर डाल के सर्च करिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे, तो आपके सामने आपके UP SSC के सभी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। यानी कि अगर आपने इससे पहले भी UP SSC में कोई एग्जाम दिया होगा, यानी कि जैसे PET दिया है, तो PET का भी आ जाएगा आपके सामने। तो आपको लेखपाल वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करना है अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। जी हाँ, लेखपाल के ठीक सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, 11 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसे लिख के आप वापस आ जाइएगा एडमिट कार्ड के पेज पे। यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिख दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, जेंडर सेलेक्ट करिएगा और वेरिफिकेशन कैप्चा डाल के डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करिएगा। हो सकता है कि अचानक से आने पर काफी लोग इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हुए हों, तो हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट स्लो भी हो जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा वेट करिएगा। हो सकता है आधे घंटे में वेबसाइट पूरी तरह सही हो जाए, तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से sarkarieexam.com पर आना है और एडमिट कार्ड का लिंक आपको सरकारी एग्जाम के एडमिट कार्ड सेक्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, एडमिट कार्ड के लिंक पे आइए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, केवल और केवल sarkarieexam.com पर, जहां मिलती है अपडेट सबसे पहले। तो इस वीडियो में इतना ही। वैसे हम सारी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहे हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, केवल और केवल सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।